कि कावड़ यात्रा के टाइम में मैंने सबसे ज़्यादा किसकी वीडियो बनाई, सबसे ज़्यादा वीडियो भी आज उसी की बनाई है जो बंदा बोल रहा है, और उनकी बनाते बनाते इतनी बना दी थी वीडियो कि दूसरे डीजे वाले, दूसरे डीजे को पसंद करने वाले सब्सक्राइबर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहने लगे थे कि राकेश भाई तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर की, तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर डीजे की, अमर डीजे को दिखा रहे हो, अमर डीजे को क्या अमर डीजे ने तुम्हें खरीद लिया है, क्या पैसे दिए हैं जो तुम उन्हें उन्हें दिखा रहे हो, कोई और डीजे तुम्हें दिख नहीं रहा पूरी कावड़ यात्रा में, यहाँ तक भी मैंने सुना है। वो कहने लगे थे कि राकेश भाई तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर की, तुम तो चमचागिरी कर रहे हो अमर डीजे की, अमर डीजे को दिखा रहे हो, अमर डीजे को क्या अमर डीजे ने तुम्हें खरीद लिया है, क्या पैसे दिए हैं जो तुम उन्हें उन्हें दिखा रहे हो, कोई और डीजे तुम्हें दिख नहीं रहा पूरी कावड़ यात्रा में, यहाँ तक भी मैंने सुना है। और वही लोग आज मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, क्यों जी क्या गुनाह कर दिया मैंने आप लोगों का? तो अमर भाई, चिंटू भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ और जो यूट्यूबर बनने फिरते हैं ना मैं उनको भी बता रहा हूँ कि मेरे दिल में किसी के प्रति भी रत्ती भर भी कसम वगैरह मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बताऊँ, मेरे दो औलाद है, मैं दोनों औलाद की कसम खा के कहता हूँ, मेरे दिल में ना इधर की उधर और ना उधर की उधर करने की, मेरे लिए आप भी उतना ही बढ़िया हो, मेरे लिए कसाना भी उतना ही बढ़िया, मेरे लिए अनुज भी उतना बढ़िया, मेरे लिए मोनू भी उतना ही बढ़िया, और मेरे लिए जो मुरादाबाद से शर्मा आया था ना मेरे लिए वो शर्मा भी उतना ही है, किसी में भी 19 और 20 का अंतर मैं नहीं रखता, मेरे लिए तो आप पार्टी हैं, मैं वीडियो बनाने